हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ईई 308 का पेपर हुआ है, पावर सिस्टम थर्ड 2020 के लिए। तो मैं इसकी आंसर की दे रहा हूं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से इन सब के सही आंसर्स ढूंढे हैं, अपने फैकल्टीज़ के साथ डिस्कस किया है और नेट से भी मैंने सारे आंसर ढूंढे हैं, सर्च किए हैं, और फिर मैं आपको ये आंसर शीट दे रहा हूँ। फिर भी ऐसी कोई संभावना बन सकती है कि किसी आंसर में आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उस आंसर्स को क्लियर कर डाउट आपका दूर करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और वो पहला क्वेश्चन है, मास कर्व इज ए कर्व बिटवीन टू पैरामीटर्स। ये जो पहला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी है, एनर्जी एंड टाइम। तो मास कर्व एनर्जी और टाइम के बीच में ड्रॉ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, डिमांड फैक्टर इज, डिमांड फैक्टर किसका अनुपात होता है? डिमांड फैक्टर हमेशा मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड के बीच में ग्राफ होता है, रेशियो होता है, अनुपात होता है। तो क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, मैक्सिमम लोड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी इज नोन एज, यानी मैक्सिमम लोड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी किसका फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है ऑप्शन बी, यूटिलाइजेशन फैक्टर का। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ते हैं, सिंकिंग फंड मेथड इज यूज टू कैलकुलेट दी, सिंकिंग फंड मेथड हमेशा डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्लांट यानी ऑप्शन डी के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ड्यूरिंग लोड शेडिंग, लोड शेडिंग में क्या करते हैं? इसका ऑप्शन आपका डी रहेगा। हम जानते हैं कॉलोनी में जब लोड का कट ऑफ करते हैं तो कुछ कॉलोनी को लाइट स्विच ऑफ करते हैं, कुछ को सप्लाई देते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अब सिक्स देखते हैं, स्ट्रीट लाइट लोड्स कम अंडर विच टाइप ऑफ लोड, यानी जो सड़कों पर लगी लाइट का भार किस भार के अंतर्गत आता है? ये ऑप्शन डी, म्युनिसिपल लोड के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ जो है, फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, यानी विद्युत शक्ति उत्पादन लागत को प्रभाव करने वाले कौन से कारक हैं? इसका ऑप्शन डी है, साइज ऑफ यूनिट्स, डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब पे डिपेंड करता है, यानी क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का ऑप्शन रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर एट्थ, ऑन व्हाट बेसिस फ्लैट रेट टैरिफ इज चार्ज्ड, यानी फ्लैट रेट टैरिफ किस आधार पे लिया जाता है? इसका ऑप्शन बी है, 100% सही है ऑप्शन बी, यूनिट कंज्यूम्ड, कितना यूनिट हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग फ्लैट रेट चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में, द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर के लिए जो पेनल्टी लगाया जाता है वो औद्योगिक के लिए, घरेलू उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये सभी के लिए होता है। कहीं कहीं कंफ्यूजन आप बच्चों को ही रहता है, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के वो पेनल्टी लगाई जाती है जब उनका पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक कम होता है, लेकिन नहीं, डोमेस्टिक घर के लिए, कमर्शियल शॉप, दुकानें, कॉम्प्लेक्स, ये सब के लिए होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर विल बी यूनिटी, किस पावर फैक्टर के यूनिटी होता है? इसका ऑप्शन बी है, वो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर वन होता है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर इलेवंथ, मीनिंग ऑफ पावर फैक्टर, ये ऑप्शन सी, बहुत सिंपल है, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, इनके रेशियो को हम पावर फैक्टर कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज लैगिंग होता है हमेशा, पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर का लैगिंग होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यू टू लो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर अगर लो है तो क्या होता है? बहुत सिंपल सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमेशा लाइन करंट बढ़ जाती है, क्योंकि लाइन करंट और पावर फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इज डन बाय, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ऑप्शन ए फेज एडवांसर से किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 15, पंप स्टोरेज प्लांट सप्लाई नॉर्मली, पंप स्टोरेज प्लांट जो है हमेशा पीक लोड पर करता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फॉर द सेम मैक्सिमम डिमांड
इफ़ लोड फैक्टर इज डिक्रीज देन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, अगर मैक्सिमम डिमांड यानी पीक लोड कॉन्स्टेंट रखा जाए तो लोड पावर फैक्टर डिक्रीज होने पर एनर्जी की कॉस्ट बढ़ जाती है। हाई पावर लोड फैक्टर होना चाहिए कॉस्ट को कम रखने के लिए, तो ऑप्शन ए कॉस्ट बढ़ जाती है लोड फैक्टर को कम करने पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एट द टाइम ऑफ लो लोड व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर पावर सिस्टम, ये जो कहता है कि कम भार के समय शक्ति प्रणाली की आवश्यकता, यानी जब लोड बहुत कम होता है तो उसका लोड बढ़ाने के हिसाब से जो है वो शंट रिएक्टर काम में लेते हैं। ऐसा भी समझा जा सकता है कि लोड पर पावर फैक्टर कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए शंट कैपेसिटर में, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है पर ज़्यादा चांस जो है वो ऑप्शन सी दिखता है, शंट रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सीरीज कैपेसिटर्स आर यूज्ड, डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन में सीरीज कैपेसिटर क्यों यूज़ किया जाता है, टू कंपनसेट रिएक्टिव पावर के लिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन ट्रांसफार्मर टेपिंग्स आर प्रोवाइडेड, ट्रांसफार्मर में टेपिंग हमेशा कहाँ किया जाता है, टेपिंग हमेशा HV साइड किया जाता है, आपके पास है मिडिल ऑफ द HV साइड जो है उसके बीच में किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, बी नहीं है, डी करेक्ट है, करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मेथड ऑफ वोल्टेज कंट्रोल इन मॉडर्न पावर सिस्टम, बी जो है उसका मॉडर्न पावर सिस्टम में वोल्टेज कंट्रोल ऑल ऑफ द अबव है, चेंजिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर भी लगाया जाता है और बूस्टर ट्रांसफार्मर भी लगाया जाता है जिससे वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बंडल कंडक्ट रिड्यूस लॉसेस ड्यू टू कोरोना रेडियो एंड डिस्टर्बेंसेस और सर्ज इम्पीडेंस, ऑल ऑफ द अबव, 21वें का ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 22, HE एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस आर यूज्ड, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर, कंपोजिट कंडक्टर एंड ऑल ऑफ द अबव, इसमें आप देखिए बंडल्ड कंडक्टर की संभावना ज़्यादा है, इसलिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में हम बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, मेनली DC ट्रांसमिशन इज डन ऑन वोल्टेज, ये 500 किलो वोल्ट की जो रेंज है वेरी हाई वोल्टेज पे, नाम ही HVDC है, तो 500 किलो वोल्ट यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, द इंस्ट्रूमेंट यूज इन द कन्वर्टर स्टेशंस में कन्वर्टर ट्रांसफार्मर हार्मोनिक फिल्टर रेक्टिफायर ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि कन्वर्जन में फिल्टर भी चाहिए, रेक्टिफायर भी चाहिए AC to DC कन्वर्जन के लिए और कन्वर्टिंग ट्रांसफार्मर भी चाहिए, तो ऑप्शन डी सही है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बैक टू बैक HVDC इज यूज टू इंक्रीज द ट्रांसमिशन कैपेसिटी, टू डिक्रीज लाइन लॉसेस, टू अवेलेबल स्टेशन इंटरकनेक्शन, टू रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप, बैक टू बैक HVDC हमेशा ऑप्शन सी के लिए, इंटरकनेक्शंस के लिए यूज करते हैं, स्टेबल इंटरकनेक्शंस के लिए, तो ऑप्शन 25th का ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कोरोना डिपेंड्स इन ट्रांसमिशन लाइंस, कोरोना जो डिपेंड करता है वो डायामीटर पे करता है, जितना कम डायामीटर होगा उतना ज़्यादा कोरोना होगा, तो कोरोना को कम करने के लिए डायामीटर बढ़ाना चाहिए, इसके मटेरियल पे हाइट और लाइन स्पान पे डिपेंड नहीं करता है, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज हमेशा मोर देन डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कोरोना इफेक्ट इज मैक्सिमम, हमेशा मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी वेदर में कोरोना इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इन समर लोड इंक्रीज ड्यू टू गर्मियों में दिनों में भार क्यों बढ़ता है, क्योंकि फैन और कूलर्स AC रेफ्रिजरेटर्स यूज होता है, इसलिए हमारा 29 का ऑप्शन डी है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, द सैलवेज वैल्यू ऑफ प्लांट इज, इसमें कहीं कन्फ्यूजन है, कुछ बच्चे उनको नेगेटिव बताते हैं लेकिन इसमें पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए एनी ऑफ दिस डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको 30 क्वेश्चन के आंसर शीट बता दी है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, नंबर कम या ज़्यादा से बिल्कुल परेशान नहीं हो, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सुंदरम सर क्लासेस आपको ऑल द बेस्ट विशेष प्रोवाइड पास करता है। थैंक यू।